आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओंकार अमित, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. इस्तीफे के नाटक के बाद नीतीश कुमार नए मुख्यमंत्री पद. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का अलग अलग बंटवारा. मराठा आरक्षण की जीत का जश्न. प्रगतिशील संगीत साहित्य बैठक में मंथन. व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से भगवद गीता पर चिन्मय मिशन द्वारा मार्गदर्शन किया गया. अब शुरू होती है बुढ़ा के अध्यक्ष पद की लड़ाई. आराधना स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह. बेलगाम अर्बन सोसायटी में रामरक्षा पठन. या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब. म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी. जर तुम्ही आमच्या पेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात, तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा. बीएससी दे टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा. तुमची आवडती सारी लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमती. बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाडी, बेलगावी. यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर. सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी. थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी. और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस. सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग. अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेलगावी. अब समाचार विस्तार से. बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे से बिहार में बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है. रविवार को राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र हर्लेकर को अपना इस्तीफा सौंपते हुए नीतीश कुमार ने एनडीए सरकार बनाने का दावा भी किया. साथ ही उन्होंने बीजेपी का समर्थन पत्र भी राज्यपाल को सौंपा. इस पत्र को राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है और उन्हें आज शाम 5 बजे शपथ समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है. बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने इस संबंध में जानकारी दी. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का अलग अलग बंटवारा. भारत आघाड़ी के गठन के बाद कांग्रेस और अन्य घटक दलों ने बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कई पार्टियां अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है. बताया जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी से हाथ मिलाने का फैसला किया है. बीजेपी के साथ उनके शपथ ग्रहण समारोह के 2 दिन बाद इस पर मुहर लग सकती है. पश्चिम बंगाल में तृणमूल की ममता बनर्जी और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है. मराठा आरक्षण की जीत का जश्न. मुंबई में मराठा आरक्षण के सवाल पर आंदोलन शुरू करने वाले मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन को सफलता मिल गई है. महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सभी मांगे मान ली है और इसे पूरे मराठा समुदाय की जीत माना जा रहा है. इस अवसर पर बेलगाम में सकल मराठा समुदाय की ओर से रविवार सुबह विजय उत्सव मनाया गया. छत्रपति शिवाजी उद्यान में शिवाजी की प्रतिमा की पूजा कर ये विजय उत्सव मनाया गया, जिसके बाद मिठाई बांटी गई. प्रगतिशील संघ की साहित्य बैठक में मंथन. प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से 3रा मराठी साहित्य सम्मेलन रविवार को इंद्रप्रस्थ नगर स्थित संत तुकाराम हॉल में हुआ. इस बैठक में वरिष्ठ पत्रकार मधुकर भावे ने आचार्य अत्रे की स्मृति में पत्रकारिता की खोज की. उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा कर उपस्थित लोगों को मंथन करने पर भी मजबूर कर दिया. कार्यक्रम के प्रारंभ में मधुकर भावे ने आचार्य अत्रे की छवि पर पुष्पांजलि कर कार्यक्रमों की शुरुआत की. इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष मेधा सामंत, पूर्व प्राचार्य आनंद मेनसे, सचिव कृष्णा शापुरकर, वरिष्ठ श्रमिक नेता नागेश सातेरी, प्रकाश मरगाले मंच पर उपस्थित थे. व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से भगवद गीता पर चिन्मय मिशन द्वारा मार्गदर्शन किया गया. भ्रम और घमंड से दूर रहने के लिए भगवद गीता हमारी मार्गदर्शक है. चिन्मय मिशन सेवा ट्रस्ट के स्वामी अभिदानंद जी महाराज ने भगवद गीता में जीवन में दुख के कारण को कैसे दूर किया जाए, इस पर मार्गदर्शन दिया है. ट्रस्ट की ओर से 25 से 31 जनवरी तक भगवद गीता पर व्याख्यान श्रृंखला शुरू की गई है. इस प्रवचन श्रृंखला के माध्यम से साधकों को भगवद गीता के अध्ययन का सार बताया जा रहा है.
अब शुरू होती है बोड़ा के अध्यक्ष पद की लड़ाई। राज्य में निगमों के अध्यक्ष भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से बोड़ा अध्यक्ष और गवर्नमेंट काउंसिलर पद के दावेदारों की उम्मीदें बढ़ गई है। राज्य सरकार ने जिले के 2 विधायकों को निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया है, लेकिन बेलगाम शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अभी तक किसी को नियुक्त नहीं किया गया है। आराधना स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह। आराधना विद्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया गया। सिद्धार्थ शिक्षा संस्थान के सचिव कमल किशोर जोशी, सालसर सत्संग परिवार के बेलगाम के सचिव मधुसूदन हेड़ा, इनर व्हील क्लब की पूर्वाध्यक्ष बसंती आचार्य, सविता सांबरगी, भाग्यश्री पाटिल, प्रिया सावदी आदि उपस्थित थे। प्राचार्य गजानन सुतार ने स्वागत किया। समन्वय द्वारकाताई पाटिल द्वारा किया गया। बेलगाम अर्बन सोसाइटी में रामरक्षा पठन। अयोध्या में श्री राममूर्ति स्थापना के अवसर पर बेलगाम अर्बन क्रेडिट सौहार्द सहकारी समिति रामरक्षा और कर्मचारी हनुमान चालीसा का पाठ करने से आनंद दोगुना हो गया। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस समय के दौरान टेलीविजन पर लाइव प्रसारण देखते हुए कर्मचारियों ने रामरक्षा हनुमान चालीसा आदि का जाप किया। सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब? इसीलिए BSE देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं, तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSE द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक कि होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSE द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। बेलगाम छावनी बोर्ड द्वारा शुक्रवार सुबह ध्वजारोहण सहित विभिन्न कार्यक्रमों के साथ देश का 75वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर MLRC कमांडेंट ब्रिगेडियर जयदीप मुखर्जी गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। ध्वजारोहण के बाद गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन किया गया। लेकव्यू में स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ। लेकव्यू अस्पताल में गणतंत्र दिन के अवसर पर मरीजों के लिए रियायती दर पर स्वास्थ्य योजना शुरू की गई। लेकव्यू के निर्देशक डॉक्टर वीरन्ना, डॉक्टर विश्वनाथ उपलदिनी, डॉक्टर मल्लिकार्जुन और डॉक्टर गिरीश सोनवलकर द्वारा योजना सूचना पुस्तिका का विमोचन किया गया। आरक्षण के मुद्दे पर सेवानिवृत्त सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की प्रतिक्रिया। उज्ज्वल निकम ने कहा कि सरकार के अध्यादेश से मराठा आरक्षण को लेकर बनी दुविधा दूर हो गई है। उन्होंने कहा कि सेज सोयर को लेकर जो अस्पष्टता थी उसे अब दूर किया गया है। रिश्तेदार करीबी रिश्तेदारों की परिभाषा को पूरा करते हैं या नहीं, इसके सबूत के तौर पर प्रमाण पत्र जमा करना होगा। इससे पहले भी सरकार द्वारा लिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। किले पर राष्ट्रीय ध्वज पुनः फहराया गया। किले पर राष्ट्रीय ध्वज गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजीव सेठ ने झंडा फहरा दिया। किले में देश का सबसे ऊंचा ध्वज स्तंभ लगाया गया है। इस समय महात्मा गांधी की छवि की पूजा की गई। श्री पंत महाराज कृत प्रेम तरंग अंग्रेजी अनुवाद पुस्तक का प्रकाशन। श्री पंत ने अपने प्रिय गुरुबंधु को संबोधित एक भावुक निबंध लिखा। मराठी के इस निबंध का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। अप्पा साहेब दड्डीकर ने जोर देकर कहा कि अंग्रेजी में प्रेम की लहर दुनिया भर में नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी। श्री पंत के निबंध प्रेम तरंग एक अंग्रेजी भाषा की पुस्तक केतन दड्डीकर और प्रकाश भातकांडे द्वारा प्रकाशित की गई। कंगराली से धारकरी गडकोट अभियान के लिए रवाना हुए। कंगराली में शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान रायरेश्वर से संस्था के 45 धारक हाल ही में गडकोट अभियान के लिए प्रतापगढ़ आए। मार्कंडे शुगर फैक्ट्री उपाध्यक्ष RM पाटिल, सागर खंडागले, बाहु तुड़ेकर, दीपक पावशे, उनके द्वारा पूजा एवं दीप प्रज्वलन किया गया। उसके बाद आरती, श्लोक, मंत्र पढ़े गए। पुलिस की कर्तव्य निष्ठा के कारण वाहन चोरी विफल। पुलिस की कर्तव्य निष्ठा से हरियाणा पासिंग से गाड़ी चोरी करने का प्रयास विफल हो गया है। शनिवार की दोपहर यह घटना हीरे बागेवाटी टोल नाका पर हुई। घटित पुलिस ने जानकारी दी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए।